बस जान मत जनक तो तुम हम सबसे छुपा कर लेकर और जब सवाल किया जा रहा है तो तुम उसका आंसर नहीं करते तो शक नहीं होगा क्या? मैंने कहा ना आपसे मैं अर्शी के साथ था, अगर विश्वास किया तो पूछ लीजिए उससे। कॉल हो ओके फाइन मान लिया तुम अर्शी के साथ, पर जनक से कब मिले कहां मिले? हां रास्ते में मिला, इट वाज अ कोइंसिडेंस। चलो मान लिया, लेकिन छोटा जनक को लेकर कहां गया? बुक स्टोर तो नहीं गया तो दो घंटे वो कहां थी? जा टेंशन सच बताओ, वो लड़की तुम्हारी इजाजत के बिना ना कहीं जाती है और ना ही तुम्हें सच बताती है। उसकी मर्जी है ना, अगर वो नहीं बताना चाहती है तो उसकी मर्जी है, उसे फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स नहीं कर सकते? रियली? हम उसे घर दे, छत दे, खाना दे, हम उसे पाले और वो हमारे एक सवाल का जवाब तक नहीं दे सकती, राइट? रियली सॉरी, पर ये घर सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है, हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं। आप ऐसे करिए जैसे घर में मेरा कोई हक है। सीधा पॉइंट पे आओ। मैं ना जनक को बुलाते ना, उसे भी तो होना चाहिए थी ना। पता नहीं कमरे में बंद होके महारानी क्या कर रही है, घर की मेड है कि घर की बहू है? विपाशा ये क्या बोले जा रही हो तुम? दोबारा ऐसी घटिया बात कभी मत करना। काकी माँ मैं उसके एटीट्यूड की बात कर रही हूँ, आप देखिए ना काम काज छोड़ के कैसे ऊपर आराम कर रही है। मैं अभी बुला के लाती हूँ जनक को। क्या जरूरत है बूढ़ी? जनक और ये सीढ़ी के पास वहां पे आ गई एच पे लोग एक बार साथ दे। देखो ना ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अरे देखो